जी, जो छापे चल रहे हैं जिसे लेकर सवाल बहुत चल रहे हैं कि जो भी विपक्ष में बोलेगा उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हो जाएगी, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि 14 वर्ष पुराना मामला है और लगातार जांचें चल रही थी। अगर सब कुछ साफ है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डर किस बात का जी? दीक्षित साहब जी नमस्कार। संजय जी, नमस्कार जी। देखिए, बड़ी बात क्या है कि जो लोग भी जिनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, जांच होती है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, अमूमन ये देखा जाता है। अब ये मुद्दा देखिए कब का है। जैसे आपको याद होगा कि जब चारा घोटाले का मामला आया था और 2013 में पहली बार उस मामले में कन्विक्ट होकर लालू जी जेल गए सजा पाने के बाद, सितंबर 2013 में, तो उस समय की सरकारों पे और आने वाली चीजों पे आरोप लगा रहे थे लोग। लेकिन ये मामला दर्ज हुआ था 1991-92-93 में और सीबीआई ने मामले दर्ज किए थे एफआईआर 1996 में। सिमिलरली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मामला लगभग 2 दशक पुराना है और उस मामले में अब अगर कार्रवाई हो रही है और स्पष्ट इसके पुष्ट प्रमाण है, साक्ष्य हैं, 3,000 स्क्वायर फीट जमीन लिया जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से, उनके लोगों को 2 नौकरी, एक दूसरे मामले में 3,400 स्क्वायर फीट जमीन लिया पटना में, उनके घर में, उनके परिवार में 3 नौकरी, ये स्पष्ट चीजें सारी की सारी प्रमाण के साथ मिली हुई हैं और इसकी काट अभी तक लालू जी का परिवार नहीं कर पाया है। और आप बड़ी बात एक चीज देखिए कि अभी विधान परिषद चल रहा था और उस दौरान जब सीबीआई की टीम पहुंची उनके पास माननीय राबड़ी देवी के घर, तो एक दोपहर तक ये चारों तरफ अफवाह का बाजार गर्म था कि सीबीआई ने रेड किया है। बाद में पता चला शाम होते होते कि वास्तव में राबड़ी जी ने स्वयं सीबीआई को आमंत्रित किया था उसी दिन उसी टाइम पूछताछ के लिए उस मामले में। और इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करके कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की एक कोशिश होती है। और आप देखें कि एक तरफ राबड़ी जी ने, लालू ने इनवाइट किया सीबीआई को पूछताछ के लिए और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया कि आके धरना प्रदर्शन करो, कपड़े निकाल निकाल के धरना प्रदर्शन सीबीआई के खिलाफ करना। तो इससे आपके दोष, आपके पाप छिप नहीं जाएंगे। देखिए, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई है वो आज नहीं कल सामने आएगी। अगर लगता है कि लालू जी और उनका परिवार इसमें साफ है, आप सोचिए उनकी बेटी ने सिंगापुर से धमकी दी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कौन सी बात हुई? अरे एजेंसियां जांच कर रही हैं, कोर्ट का रास्ता आपके पास है, अगर लगता है तो वहां जाके अपने को आप बचा लीजिए, किसने आपको मना किया है जी? ये बिल्कुल संविधान की बात है और अगर कुछ गलत भी है तो यहाँ न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं।